नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने दुनिया को कहा अलविदा। बॉलीवुड इंडस्ट्री को आज एक और झटका लगा है। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने देर रात 1:52 पर दुनिया को अलविदा कह दिया है। खबरों की माने तो 71 साल की सरोज खान को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी जान चली गई है, जिसके बाद बॉलीवुड हस्तियों ने अपना गहरा दुख प्रकट किया है। अक्षय कुमार ने कहा कि ये सुबह उठते ही बहुत बड़ी खबर मिली है। सरोज खान ने डांस का एक आसान जरिया बना दिया था, जिसे कि कोई भी डांस कर सकता था। मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, उन्हें शांति मिले। वहीं अभिनेत्री जूनेलिया डिसूजा ने लिखा, आरआईपी सरोज जी, मुझे आपके द्वारा करीब डांस सीखने का मौका मिला था, जिसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि सरोज जी के जाने की खबर से शॉक्ड हूँ, उनके जाने से एक युग का अंत हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख में सैनिकों का हौसला बढ़ाने पहुंचे लेह। लद्दाख के गलवान घाटी पर हुए वाक्य के बाद भारतीय सीमा पर लगातार तनाव की स्थिति बरकरार है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए आज सुबह सुबह लेह पहुंच गए। अधिकारियों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा अचानक से था, जिससे हर कोई हैरान दिखाई दिया। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद दिखाई दिए। प्रधानमंत्री को यहां थल सेना और वायुसेना के अधिकारियों ने जमीनी हकीकत की जानकारी दी, साथ ही गलवान घाटी की स्थिति के बारे में पूरी ब्रीफिंग दी। जानकारों की माने तो इससे पहले CDS बिपिन रावत को ही इस दौरे के लिए जाना था, हालांकि अचानक से पीएम मोदी ने पहुंचकर सभी को चौंका दिया। भारतीय बिजनेसमैन की तरफ से चाइना को मिला करारा झटका। भारत चीन के बीच उत्पन्न हुए तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गलवान घाटी पर हुए वाक्य के बाद लगातार भारत में चीनी उत्पादों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की जा रही है, जिसके बाद कुछ दिनों पहले ही सरकार ने चीन के 59 ऐप पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं अब चीनी कंपनियों को भारत के बिजनेसमैन की तरफ से करारा झटका लगा है। खबरों की माने तो अलग अलग क्षेत्रों में कारोबार करने वाले JSW ग्रुप ने सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन से $40 करोड़ यानी कि लगभग 3,000 करोड़ के आयात को अगले 24 महीने में खत्म करने का फैसला किया है। ग्रुप के सहयोगी इकाई JSW सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ जिंदल ने कहा है कि उन्होंने गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए हालिया टकराव के कारण चीन की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए दूसरे देश से भारत की बातचीत है जारी। COVID-19 के बढ़ते माहौल के कारण जहां एक तरफ विमानों की सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, वहीं भारत में घरेलू विमान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए भी लगातार बातचीत जारी है। खबरों की माने तो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के द्विपक्षीय करार को लेकर भारत, अमेरिका, कनाडा और यूरोप और खाड़ी के देशों से बातचीत जारी है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद सिंह ने बताया कि इस समझौते में शामिल सभी देशों के विमानन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन की अनुमति मिलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 23 जून को कहा था कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से द्विपक्षीय करार का विचार कर रही है। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए लाखों करोड़ रुपए के FDI की जरूरत, उक्त बातें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए की FDI की जरूरत पड़ेगी, जो कि मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना और MSME क्षेत्र में लाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस समय FDI समय की मांग है। इस तरह से फंड से देश को फायदा होगा, क्योंकि बाजार में नकदी की जरूरत है। COVID-19 के रोकथाम में लागू किया गया बंद के कारण आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक बाधित हो गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि नकदी के बिना अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाना असंभव होगा। अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए मौजूदा हालात में देश में 50 से 70 हजार करोड़ रुपए के विदेशी निवेश की जरूरत है। आज है भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह का जन्मदिन। आज भारतीय टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी रह चुके हरभजन सिंह का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर उनको क्रिकेट जगत के लोग और उनके फैंस ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। लगभग 2 दशक तक भारतीय टीम के लिए खेलने वाले हरभजन सिंह को लंबे समय से मैदान में उतरने का मौका तो नहीं मिला, मगर वो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की चाह रखते हैं। साल 1998 में टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले हरभजन सिंह ने टीम के साथ हर स्तर पर उनका साथ दिया है। चाहे टीम कामयाब हुई हो या नाकामयाब हुई हो, हरभजन सिंह ने अपना सफर बखूबी तय किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हरभजन सिंह को एक टेस्ट सीरीज ने ही रातों रात स्टार बना दिया था। इसी क्रम के दौरान उन्होंने हैट्रिक लिया था, जो कि उस वक्त तक किसी भी भारतीय गेंदबाज ने नहीं दिखाया था। 6 जुलाई से खुल जाएंगे ताजमहल सहित देश के सभी स्मारक। COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच अब केंद्र सरकार ने 6 जुलाई से देश भर के सभी स्मारक को खोलने की अनुमति दे दी है, जिसके लिए बीते दिन केंद्रीय संस्कृत एवं पर्यटन मंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी साझा कर दी है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि COVID-19 का संक्रमण फैलने के बाद 17 मार्च को देश भर के सभी स्मारक बंद करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद 111 दिन से सभी स्मारक बंद है। लेकिन 6 जुलाई
इसे सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि इन स्मारकों को खोलने के बाद सभी स्थानों पर खास बंदोबस्त भी किए जाएंगे, जिसके तहत सभी स्मारकों में सैनिटाइजेशन का उचित इंतजाम किया जाएगा। ज्यादा संख्या पर नियंत्रण से शारीरिक दूरी का पालन कराया जाएगा। स्मारकों पर मैनुअल टिकट की बिक्री के स्थान पर केवल ऑनलाइन टिकट की बिक्री की जाएगी। निजी ट्रेन के लिए बनाए जाएंगे 12 क्लस्टर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव ने इस बात की जानकारी दी है और साथ ही यह भी बताया है कि 2023 से निजी ट्रेन के संचालन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद 12 क्लस्टरों में इनका संचालन किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली राजधानी और प्रयागराज को धार्मिक पर्यटन के होने की वजह से 13 रूट के निजी ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा चंडीगढ़ और जयपुर क्लस्टर में 99 रूटों पर ट्रेन का परिचालन करवाया जाएगा। पटना और हावड़ा क्लस्टर से 10-10, मुंबई क्लस्टर से 1 और 7 रूट पर और मुंबई क्लस्टर 2 से 11 रूट पर ट्रेन चलाई जाएगी। इसी तरह चेन्नई क्लस्टर से 12 रूट पर और बेंगलुरु से 5 और सिकंदराबाद क्लस्टर से 10 रूट पर निजी ऑपरेटर ट्रेन का परिचालन करवाया जाएगा। दिल्ली से मुंबई के बीच के सफर की रफ्तार बढ़ने पर 15,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। दिल्ली में बेकाबू हो रही कोविड 19 की हालत पर अमित शाह की है नजर। कोविड 19 ने पूरे भारत की परेशानी बढ़ा रखी है, वहीं भारत में इसके मामले भी तेजी से बढ़ते देखे जा रहे हैं। प्रभावित राज्यों की बात करें तो मुंबई के बाद राजधानी दिल्ली का सबसे बुरा हाल है और यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार दिल्ली में कोविड 19 के बढ़ते असर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और यही कारण है कि संक्रमण रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीते दिन अमित शाह ने इसके लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और NCR के शहरों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में रैपिड एंटीजन जांच करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा ध्यान कोविड 19 के बढ़ते असर से जान गंवाने वालों की संख्या को कम करना है। इसके लिए मरीजों को जल्द ही अस्पतालों में भर्ती कराना चाहिए। होम क्वारंटाइन को लेकर बनाई गई नई गाइडलाइन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम क्वारंटाइन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत सरकार की यह गाइडलाइन माइल्ड, प्री सिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक मामलों के लिए जारी की गई है। सरकार के इस गाइडलाइन का संशोधन किया गया है, जिसके तहत सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि होम आइसोलेशन वाले मरीज लक्षण के शुरुआत के 10 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। मगर नई गाइडलाइन में कहा गया है कि हाल के लक्षण या बगैर लक्षण वाले मरीज जिनको कोई दूसरी बीमारी नहीं है, वो होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा सकेंगे, लेकिन उसके लिए पहले डॉक्टर की इजाजत की आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं, नए नियम के अनुसार आइसोलेशन की अवधि पूरा होने के बाद टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी। बड़ी संख्या में बिना लक्षण वाले मरीज सामने आने के बाद यह नई दिशा निर्देश जारी की गई है। इंडिगो एयरलाइंस ने कोविड 19 योद्धाओं को 31 दिसंबर तक किराए में दी छूट। जहां सभी लोग इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं, वहीं हमारे सभी कोविड 19 योद्धा दिन रात कोविड 19 मरीजों की सेवा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में इन योद्धाओं की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने कोविड 19 योद्धाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत कंपनी ने इन योद्धाओं को इस साल के अंत तक हवाई यात्रा में किराए में छूट देने का ऐलान किया है। इससे कंपनी की ओर से डॉक्टर और नर्स को उनकी टिकट के किराए राशि में 25% तक रियायत देने की बात कही गई है। WhatsApp ने अपने सभी यूजर के लिए जारी किया शानदार फीचर। WhatsApp ने अपने सभी यूजर के लिए नया फीचर रोल किया है, जिसके तहत Android और iPhone दोनों प्लेटफॉर्म पर एनिमेटेड स्टिकर WhatsApp.web के लिए डार्क मोड, QR कोड के AIOS के लिए स्टेटस शामिल है। WhatsApp के इस नए फीचर को जल्द ही रोल किया जा रहा है। अभी यह फीचर ट्रायल के तौर पर कुछ ही यूजर के लिए मौजूद है। WhatsApp ने बताया कि यह नया फीचर अगले कुछ दिनों में यूजर के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने पुराने फीचर को भी अपडेट करने की मुहिम तेज कर दी है, जिससे कि ग्रुप वीडियो कॉलिंग को पहले से बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने 3 किलोमीटर लंबे मालगाड़ी का किया परीक्षण। कोविड 19 के इस माहौल के बीच भारतीय रेलवे ने सुपर एनाकोंडा नाम से 177 डिब्बों वाली मालगाड़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। वहीं रेलवे ने एक और बड़ा प्रयोग किया है। खबरों की माने तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 2773 मीटर यानी कि लगभग 3.25 किलोमीटर लंबे मालगाड़ी चलाने का परीक्षण किया गया है, जिसका नाम शेषनाग दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो इस मालगाड़ी में 251 डिब्बे, 9 इंजन लगे हुए हैं। इसके बीच में 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए हैं। इस मालगाड़ी का परीक्षण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन की तरफ किया गया है। हालांकि रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतनी लंबी मालगाड़ी पटरी पर देखने को मिल रही है। अमेरिका द्वारा H-1B वीजा पर लगाए गए रोक पर राहुल गांधी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले H-1B वीजा पर पूरी तरीके से रोक लगाने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने में आ रही है। वहीं अब राहुल गांधी ने भी खुद से इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अपने H-1B कार्यक्रम के माध्यम से भारत के विशाल प्रतिभा पुल का लाभ उठाया है। इसका निलंबन लाखों भारतीय और अमेरिकी कंपनियों को प्रभावित करेगा, इसे निरस्त किया जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कहा था कि आने वाले एक साल के लिए H-1B
वीजा पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के मांगे सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक महीने में अलग अलग मंत्रियों के समूह के साथ बैठक की है। इस बैठक में कोविड-19 के कारण आए वैश्विक आर्थिक समस्या से निपटने के लिए भारत कैसे एक आर्थिक शक्ति बनकर उभरता है, इस बात पर चर्चा की गई है। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के अपने स्लोगन को साकार बनाने के लिए सभी मंत्रियों से उनके मंत्रालय और विभाग से ऐसे सुझाव मांगे हैं जिससे आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया को पूरी तरीके से सफल बनाया जाए और अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाया जाए। इनमें से कुछ मंत्रियों ने अपने सुझाव दिए हैं, जिसमें से कुछ ने मुद्रा लोन के जरिए छोटे उद्यमियों को लोन दिए जाने और देश में इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने का सुझाव दिया है, जिससे मोबाइल, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान आसानी से देश में उपलब्ध हो जाए। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच ताजमहल समेत सभी स्मारक स्थलों को 6 जुलाई से खोलने का फैसला कितना सही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।